गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ स्किन केयर वीडियो, या बहुत टाइम बाद। तो एज सच आज है संडे, और संडे का डे जो होता है सभी के लिए बहुत फ्री होता है, कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है खुद को देने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए। तो बाकी डेज पे जॉब वगैरह हर चीज़ होती है, बट संडे का दिन ही है जो मुझे थोड़ा सा मिलता है अपने लिए। सो आज मैं वो स्किन केयर और हेयर केयर शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जो मैं एवरी संडे करती हूँ खुद के लिए। मतलब उसमें कभी चेंजेस भी होते हैं, कभी मैं हेयर के लिए कोई और पैक बना लेती हूँ, कभी कोई और, बट जो भी है आज मैं वो वाला स्किन केयर और हेयर केयर शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। मतलब आई वॉज थिंकिंग कि आज संडे है, मैं ये सब कर ही रही तो क्यों ना मैं ये शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ, तो जब नॉर्मल डेज में मैं उठती हूँ तब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे डायरेक्ट नहाने ही जाना होता है। बट संडे के दिन जो है फ्री रहते हैं, तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के अपना फेस वॉश करती हूँ प्लेन वाटर से। सिर्फ वाटर से अपना फेस वॉश करके मैं अप्लाई करती हूँ एलोवेरा जेल। यस, एलोवेरा जेल जो है इतना अच्छा काम करता है फेस पे। लाइक मैं इसे रात को लगा के भी सोती हूँ, वो तो मेरा मतलब डेली रूटीन है ही कि मुझे रात को एलोवेरा जेल लगा के सोना होता है। बट सुबह जब संडे का दिन होता है तो मैं नहाने लेट ही जाती हूँ, इसलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ नॉर्मल पानी से फेस वॉश करके, बिकॉज इतना अच्छा काम करता है फेस पे, एक बहुत सही ग्लो आता है एलोवेरा जेल लगाने से। आई रियली लव दिस, मतलब मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं जस्ट एलोवेरा जेल की एक लेयर बना के ना फेस पे ऐसे ही ऐसा छोड़ देती हूँ। और इसके सिर्फ एक बेनिफिट्स नहीं है, काफ़ी बेनिफिट्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊँ। इसके बाद जो है मैं नहाने जाऊँगी एक डेढ़ घंटे बाद, जब मेरा मन करेगा। तो जब मैं नहाने जाऊँगी तब मैं बनाऊँगी हेयर मास्क। तो आपको नेक्स्ट क्लिप में देखने को मिलेगा कि हाउ आई मेक हेयर मास्क। सो गाइज, हेयर मास्क इज रेडी। तो मैं आपको बता देती हूँ मास्क कैसे बना है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैंने इसमें टू बनानाज लिए हैं अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ। आपकी जैसी हेयर लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड जस्ट मैंने हनी मिक्स किया है बस, और कुछ भी नहीं है। पहले मैंने इसे थोड़ा हाथों से मैश कर लिया, उसके बाद मैंने ये मिक्सी में पीस लिया, तो ये कुछ इस तरह का बैटर बना है। तो बस अब मैं जो है इसे बालों में अप्लाई करूँगी अपने। एंड जो हेयर मास्क है ना, ऐसा नहीं है कि मैं एवरी संडे इसे ही लगाती हूँ, कभी मैं कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं शूट कर दी हूँ तो कुछ अलग सा हो, दैट्स वाई मैं ये वाला आज हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ। जैसे केराटिन वगैरह करते हैं ना वो लोग, स्मूदिंग वगैरह, बस उस तरीके से आपको ये अपने पूरे बालों में लगाना। सो इसको ज़्यादा नहीं, मैं 10 से 15 मिनट ही रखूँगी अपने हेयर्स में। 10 से 15 मिनट के बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी, और तो तब तक मैं अपना जो है स्क्रब रेडी कर लेती हूँ, जो कि मैं फुल बॉडी और फेस पे जो स्क्रब यूज़ करती हूँ वो एक ही स्क्रब होता है जो बनाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्क्रब मैं कैसे बनाती हूँ। तो स्क्रब के लिए कुछ नहीं, मैं राइस पाउडर लेती हूँ। डोंट वरी, राइस पाउडर अगर वैसे नहीं है आपके पास तो सिर्फ अपने जो भी चावल है आपके घर में उसे आप ग्राइंडर में मिक्सी में पीस लो, और वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और मैंने ये जो है ब्लीच वाला बॉक्स है ये खाली हो गया था, तो मैंने इसमें ये पहले से ही फिल करके रखा है। तो राइस वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना आपको यूज़ लगता है होगा। मैं फुल बॉडी पे यूज़ करने वाली हूँ, फुल बॉडी एंड फेस, ठीक है। दिस इज़ इनफ, एंड आई एम जस्ट गोना मिक्स अ रॉ मिल्क इन दिस। एंड देन ये जो है आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कुछ और मिक्स करना चाहते हो या नहीं।
सिर्फ मिल्क और जो राइस पाउडर है उससे भी काफ़ी अच्छा स्क्रब बनता है। मैं जो है इसमें एलोवेरा जेल और मिक्स करना चाहूँगी, इट्स माय चॉइस, एंड रोज वाटर, एंड आई एम जस्ट गोना मिक्स इट। वी डोंट नीड अ स्पून। सो गाइज द स्क्रब इज रेडी, लुक एट दिस, हाउ मतलब कितना देखने में भी प्रेटी लग रहा है, पिंक बेबी पिंक। तो मैं जस्ट इसे फेस पर अपने हैंड्स पर, मैं अभी थोड़े थोड़े रख दिखा रही हूँ, बाकी तो मैं जब शाल लेने जाती हूँ मैं अपनी फुल बॉडी पे इसे यूज़ करूँगी। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस स्क्रब को यूज़ करें तो आपको सोप यूज़ नहीं करना है। जस्ट आपको दिखाने के लिए अभी मैं दिखा रही हूँ कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस लाइक दिस, और बहुत ही लाइट हैंड से आपको इसे यूज़ करना है, नहीं तो आपका फेस यू नो रैशेज भी हो सकते हैं, छिल भी सकता है। तो बहुत ही लाइट हैंड से इस स्क्रब को यूज़ करना है। और मैं ना लिख के दे सकती हूँ, जस्ट एक बार आप इसे यूज़ करके देखना, उसके बाद जब आप नहा के बाहर आओगे ना आपकी स्किन लाइक अ बेबी स्किन लगेगी, इतनी स्मूथ इतनी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा। एंड इसी तरह मैं इसे अपने हाथों पे भी लगाऊंगी ना, आपको मैं दिखाऊंगी रिजल्ट। ओके मैं आती हूँ शाल लेके, सो वेट फॉर मी। सो गाइज मैंने जो है नहा लिया है, एंड मेरे जो हेयर्स हैं ना वो सच में मतलब जेन्युइनली काफ़ी स्मूथ फील कर रहे हैं, क्योंकि यूजली जो मेरे हेयर्स हैं वो ड्राई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो रफ हेयर्स जो होते हैं ना उस टाइप के हैं। बट ये वाला मास्क लगाने के बाद इट फील्स गुड एंड स्मूथ, एंड जब मैं हेयर वॉश कर भी रही थी ना, एक होता है कि शैम्पू करने के बाद ना मेरे हेयर और ड्राई लगते हैं, लेकिन शैम्पू करने के बाद भी ये स्मूथ लग रहे थे, और जब मैंने कंडीशनर किया तब तो कंडीशनर के बाद अच्छे होते ही हैं, इग्नोर करना इस वॉइस को। एंड मैं जेन्युइनली बता रही हूँ ये वाला जो स्क्रब है ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना, स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ इतनी सॉफ्ट फील होती है ना लाइक बेबी स्किन, और पूरी बॉडी पे जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद सोप और फेस वॉश आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसे ही लगाना है, उसके बाद ही आप खुद ही फील करोगे कि आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट लग रही है। तो इफ़ अगर आप इसमें से कुछ भी यूज़ करते हो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, देन आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना जब आप ट्राई कर लो। एंड आई लव माई स्किन राइट नाउ एंड माई हेयर, और ये वाला जो मास्क है ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं यूजली जो इसे बनाना मास्क हेयर्स पे लगाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, और मैंने जो है अपने हेयर्स नेचुरली ड्राई किए हैं, कोई हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं किया है। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप आपने इन्जॉय किया हो, और अगर हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको पता लगेगा जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी। सो या सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।